राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड इलाके में अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में आग लगने से 43 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि संकरी गलियों में स्थित पैकेजिंग और बैग बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इनमें से अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। मरने वाले अधिकतर लोग यूपी और बिहार के बताए जा रहे हैं। दिल्ली के अनाज मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने अब तक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। टीम ने 59 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला। घायलों को LNJP, RML, लेडी हार्डिंग और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गलियां संकरी और बिल्डिंग सटी होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतें हुई। मरने वाले ज्यादातर बिहार के रहने वाले थे। एक ही कमरे में 10 से 15 लोग रहते थे। अनाज मंडी में भीषण आग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल, मंत्री सत्येंद्र जैन और इमरान हुसैन ने घटना का जायजा लिया। इमरान हुसैन ने घटना की जांच कराने का ऐलान करते हुए कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली अग्निकांड में घायलों का हाल जानने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल LNJP अस्पताल पहुंचे हैं। मृतकों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख के साथ सीएम केजरीवाल ने मुफ्त इलाज का ऐलान भी किया। बीजेपी नेता विजय गोयल, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनुराग ठाकुर ने भी मौके पर जाकर घटना के संबंध में जानकारी ली है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इस भयावह हादसे में घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। राष्ट्रपति कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। वहीं उन्नाव की बेटी ने तय किया अंतिम सफर। उन्नाव में रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। पीड़िता के शव को दफनाया गया है। अंतिम संस्कार में यूपी सरकार के दो मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कमल रानी वरुण शामिल हुए। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर को एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ शपथ लेने को लेकर चुप्पी तोड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे घटनाक्रम के बारे में राज खोलते हुए कहा कि अजीत पवार ने उन्हें एनसीपी के सभी 54 विधायकों के समर्थन का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम और पर्दे के पीछे की कहानी अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाय और कैदियों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। पुणे में गोसेवा पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि गाय पालने वाले कैदियों की अपराधी प्रवृत्ति कम होती है। भगवान ने कहा, जब जेल में गौशाला बनाई गई और कैदियों के गाय की सेवा करनी शुरू की गई तब अधिकारियों ने उन कैदियों की आपराधिक प्रवृत्ति में कमी आते हुए देखा। झांसी की योगी सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बिना भेदभाव के लागू की गई है स्वास्थ्य योजनाएं। प्याज की कीमतों पे कम होने का कोई आसार नहीं दिख रहा। प्याज की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। बेंगलुरु में प्याज की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। प्याज की थोक दर 5,500 रुपए से 14,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में है। नागरिकता संशोधन बिल पर सोमवार को लोकसभा में बहस हो सकती है। सोनिया गांधी ने आज पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। सोनिया की अगुवाई में आज कांग्रेस रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर की एक अदालत में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ प्याज के बढ़ते दामों पर लोगों को गुमराह करने और धोखा देने के आरोप में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। एम राजू नैयर नाम के व्यक्ति ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले नैयर ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री होने के बावजूद पासवान प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने में नाकाम रहे हैं।
भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके समर्थकों ने शनिवार रात एक थाने में जमकर हंगामा किया। प्रज्ञा ठाकुर थाने में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो प्रज्ञा ठाकुर अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। केजरीवाल सरकार अब दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में सरकार जीपीएस और पैनिक बटन लगाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत डीटीसी की मौजूदा 5,500 बसों में यह सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से 400 डॉक्टर ड्यूटी से गायब होने के मामले में शासन ने जांच के बाद कार्य मुक्त करने का फैसला ले लिया है। इसमें राजधानी लखनऊ के 11 डॉक्टर्स भी शामिल है। वहीं 400 डॉक्टर्स कई महीने से नहीं ड्यूटी पर आ रहे हैं। डॉक्टर्स नोटिस के बाद भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यूपी के मेरठ के लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर्स ने रात भर धरना प्रदर्शन किया। जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर्स ने ईएनटी विभाग के प्रमुख डॉक्टर कपिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने विभाग की रजिस्टर्ड डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं पुलिस ने बताया कि लड़की की शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जाँच की जा रही है। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दो शातिर बदमाशों को गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से दो तमंचे सहित लूट की मोटरसाइकिल बरामद की है। यूपी के बरेली में एक महिला को उसी के जेठ ने रेप में नाकाम होने पर लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतका के भाई का आरोप है कि उसका बड़ा भाई उसकी पत्नी पर बुरी नीयत रखता था, इसी के चलते उसने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी घटना के बाद से ही फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बरेली में तेजाब पीड़ित लड़की के आरोपियों को पकड़ने की जगह इंस्पेक्टर उल्टा पीड़िता को ही हड़काने में जुटते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल पूरा मामला बरेली के बहेड़ी कोतवाली का है। करीब एक महीने पहले पीड़ित लड़की पर दो अज्ञात युवकों ने तेजाब डाल दिया था, जिसमें लड़की का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है, साथ में पति भी झुलस गया। पीड़िता को उस युवक की शिनाख्त के बाद कोतवाली में बुलाया गया। इंस्पेक्टर उल्टा पीड़ित को हड़काने लगे और उसे बताने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी छवि खराब हुई है, यहाँ रहना है तो सलीके से रहो, यहाँ गंदगी ना फैलाओ। उन्नाव रेप कांड समेत सूबे में रेप की घटनाओं पर सरकार का विरोध करने पहुंचे सपाइयों ने संबल में प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान के बिगड़े बोल फिर सामने आए हैं। बाइक से आ रहे एक पुलिसकर्मी को सपा जिलाध्यक्ष ने धमकाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के मोदी नगर के सुदामपुरी में 3 साल के बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुदामापुरी निवासियों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज में 10 राष्ट्रीय पक्षियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 10 मोर की मौत केमिकल का पानी पीने से हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अमारपुर रोड साइड टेडर्स के सामने की ये मामला है। गोंडा में मॉडल शॉप के सामने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। शराब के नशे में यहां पर कुछ लोग आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद करीब आधे घंटे तक दुकान में जमकर हंगामा होता रहा, जिसके बाद दुकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। असम के डिब्रूगढ़ में नहरकटिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार तड़के मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी तिनसुकिया जा रही थी। वहीं इस मामले में मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि रेल की पटरियां उखड़ गई और उनके बीच लगे स्लीपर चूर चूर हो गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि अभी दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। आरोपी को शनिवार को जब महू कोर्ट पेशी के लिए ले जाया गया तो उसे देखते ही वकील भड़क उठे और उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। रिमांड खत्म होने पर पुलिस आरोपी को लेकर जैसे ही कोर्ट पहुंची तो वहां मौजूदा वकीलों ने उत्तेजित होकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने जैसे तैसे उसे बचाया है और इस दौरान लोग आरोपी को भीड़ को सौंपने की भी मांग कर रहे थे। चंद्रयान 2 के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इसरो ने केंद्र सरकार से 75 करोड़ रुपए की मांग की है। इसरो का बजट 66 करोड़ का है। केंद्र की ओर से इसरो को आश्वासन दिया गया है कि उसे यह बजट मिल जाएगा। ईरान ने इसराइल की आड़ में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अमेरिका पर निशाना साधा है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा कि इसराइल को निशाना बनाने के लिए एक परमाणु मिसाइल परीक्षण किया गया है। यूरोप के 3 देशों में से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तथा अमेरिका ने कभी पश्चिम एशिया के परमाणु शस्त्रागार को लेकर शिकायत नहीं की, लेकिन हमारी परंपरागत और रक्षात्मक कार्रवाइयां इनके लिए आपत्तिजनक है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता वार्ता को रद्द कर दिया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो घरेलू राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए वार्ता को समय बचाने की तकरीबन की तरह इस्तेमाल किया गया है। वहीं उत्तर कोरिया ने इस वार्ता के रद्द होने के बाद सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन सोहाई में एक अहम प्रशिक्षण भी किया। स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन भ्रष्टाचार की जांच बंद करवाने के लिए 100 करोड़ डॉलर के भुगतान के लिए तैयारी हो गई है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक एरिक्सन ने माना है कि उसने फॉरेन करप्ट प्रोजेक्ट्स एक्ट का उल्लंघन किया। साल 2000 से 2016 तक रिश्वत देने और खातों में हेराफेरी जैसी गतिविधियों में से जुड़ी रही। इसके अलावा कंपनी ने कारोबार जारी रखने के लिए सरकारी अधिकारियों को भी रिश्वत दी है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष आतंकी फंडिंग के मामले में पेश किया गया। उसे अदालत इसलिए आरोपित नहीं कर पाई क्योंकि अधिकारी सह अभियुक्त मालिक जफर को अदालत में पेश नहीं कर पाए। मामले की अगली सुनवाई अब 11 दिसम्बर को होगी, जिसमें लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और सह आरोपी मलिक जफर इकबाल के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लंदन में स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि ब्रिटेन में नक्सलवाद या भारत विरोधी माहौल की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री जॉनसन ने हिंदू विरोधी और भारत विरोधी भावनाओं का भी जिक्र किया और इस पर चिंता जाहिर भी की है। पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा अपराधी घोषित किए जाने के बाद उनकी संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है। काला घोड़ा और वर्ली में नीरव को 2 संपत्तियां हैं। नीरव को भगोड़ा अपराधी घोषित करने वाला स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसने नीरव मोदी की 2,400 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर उसकी नीलामी करने का आवेदन किया है। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक सेडान कार टाइगर ईएफ बुकिंग की शुरू कर दी है। खास बात ये होगी कि इस कार को अब आम ग्राहक भी खरीद सकेंगे। इससे पहले ये कार केवल फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए ही उपलब्ध थी। वहीं फुल चार्ज करने पर यहां 213 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा। देश की मशहूर कार कंपनी मारुति सुजुकी की कारें महंगी होने वाली है। कुछ दिनों पहले कंपनी ने घोषणा की थी कि नए साल में कारों की कीमतों में बढ़ावा देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी के इस ऐलान के बाद अन्य कार निर्माता कंपनी ने भी अपनी कारों की कीमतों में इजाफा किया है। रिलायंस जियो ने एक बार फिर से इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा दिया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा दूसरे नेटवर्क्स पर फ्री कॉलिंग किए जाने के जवाब में रिलायंस जियो ने अपने 98 रुपए और 149 रुपए वाले प्लान को फिर से उपलब्ध करा दिया है।
दक्षिण कोरिया की वाहन बनाने वाली कंपनी किया मोटर्स वाहन क्षेत्र में नरमी के बावजूद भारत को लेकर उत्साहित है और उसने हर 6 महीने में नया वाहन पेश करने की योजना बनाई है। कंपनी अगले साल की शुरुआत में लग्जरी बहुउपयोगी वाहन MVP कार्निवाल पेश करेगी। कंपनी का दावा है कि सुविधाओं के मामले में ये देश में अपनी तरह का पहला वाहन होगा। आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए भारतीय कारोबारियों ने अपनी कमर कस ली है और खर्चों में कमी करनी शुरू कर दी है। देश के दिग्गज कारोबारियों में शुमार रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी भी अपना एक लग्जरी विमान किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स में अपने 3 बिजनेस जेट्स में से एक 13,000 ग्लोबल 5,000 को एक वैश्विक चार्टर कंपनी को किराए पर देने के लिए रिलीज कर दिया गया है। अपने जिंदगी में काफी फिट रहकर जीने वाली टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने फिटनेस का राज खोला है। उन्होंने मात्र 4 महीने में 26 किलो वजन घटाया था। बेटे जहान के जन्म के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें अपने मोटापे पर लोगों का बात करना आज भी पसंद नहीं है। भारत में शनिवार को 13वें साउथ एशियन गेम्स के 6ठे दिन तैराकों और पहलवानों के दमदार प्रदर्शन के बूते मेडल तालिका में दबदबा कायम रहा, जिसमें वो गोल्ड मेडल के शतकों से 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा। भारतीयों में शनिवार को 29 गोल्ड सहित कुल 49 मेडल अपनी झोली में डाले, जिसमें भारत ने मेजबान नेपाल को काफी पीछे कर दिया। मेडल तालिका में भारत 110 गोल्ड, 69 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज से कुल 214 मेडल लेकर शीर्ष पर है। अनुभवी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा है कि वो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का हिस्सा बनना चाहेंगे, जिससे युवाओं का काम आसान हो और टीम जीत दर्ज कर सके। कार्तिक ने कहा, मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की है। मैं खुद से कहता हूं कि खुद ही मैच जीतूंगा। मैं उस स्थिति का हिस्सा बनना चाहता हूं ताकि युवाओं को आसानी हो। वेस्टइंडीज के खिलाफ आज दूसरे मैच में भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करके एक और T20 सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के निशाने पर इस मैच में रोहित शर्मा का एक खास रिकॉर्ड होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में विराट अगर 3 रन और बनाते हैं तो वो हिटमैन रोहित शर्मा के T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इस समय रोहित शर्मा के नाम T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2,547 रन दर्ज है, वहीं विराट कोहली के नाम उनसे 3 रन कम 2,544 रन है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस महीने से शुरू हो रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड को टेस्ट टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन की वापसी हुई है। एडरसन SH सीरीज के पहले टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे, तब से वो चोट से उभर रहे हैं और इसी कारण वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी नहीं खेले थे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेपाल में चल रहे साउथ एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की तारीफ में ट्वीट किया है। इसके लिए SSFI के नीरज चोपड़ा के साथ उनकी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, साउथ एशियन गेम्स में 46.48 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम को बधाई। दोनों की ये तस्वीर 2018 जकार्ता एशियन गेम्स की है। इसके बाद से ही दोनों देशों के यूजर्स इसके लिए AFI की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि खेल दोनों देशों के बीच नफरत और दुश्मनी मिटाने की ताकत रखता है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र आज 84 साल के हो गए हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस का वीडियो फैंस के साथ शेयर किया, जिसे देखकर कोई हैरान हो गया है। फार्म हाउस काफी बड़ा और खूबसूरत सा है। इस वीडियो को धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। साथ में उन्होंने कैप्शन में लिखा, ये सब कुछ उसने दिया है जो चुपचाप एक दिन ले जाएगा वो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, जियो इसे जी जान से जियो।
बॉक्स ऑफिस बढ़त में पति पत्नी और वो ने पानीपत को काफी पीछे छोड़ दिया। पति पत्नी और वो ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.10 करोड़ का व्यापार किया है। इसके साथ ही इस फिल्म ने ऑस्कर नामित निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत को पीछे छोड़ दिया। पानीपत ने 4.12 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की। दोनों ही फिल्मों की ओपनिंग के आंकड़े फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सभी के साथ शेयर किया। कपिल शर्मा शो में अपनी फिल्म पानीपत को प्रमोट करने पहुंचे संजय ने कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बायोपिक में काम करना चाहते हैं। संजय ने कहा कि ट्रंप एक बिंदास इंसान है और वो अपने दिल की बात बोलते हैं। सलमान खान स्टारर दबंग 3 इसी महीने 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जिसे लेकर फिल्म स्टार्स इसके प्रमोशन में जुट गए हैं। इस बार अपनी ही फिल्म के प्रमोशन के लिए अपने को स्टार्स के साथ अपने ही शो बिग बॉस के सेट पर सलमान खान पहुंचे। सलमान खान ब्लू डेनिम और ब्लैक टी शर्ट में थे, जबकि उनके दोनों हीरोइने सोनाक्षी सिन्हा और सई मांचेरकर गुलाबी ड्रेस में दिखी। दबंग 3 को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया है। टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह जल्दी शादी करने जा रही है। माना जा रहा है कि मोना सिंह साउथ के किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी करने की प्लानिंग कर रही है। मुंबई मिरर की खबर के मुताबिक अपनी शादी के लिए मोना सिंह 14 दिसंबर से पहले अपने शूट और बाकी कामों को निपटा रही है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ किसानों के मार्केट पहुंचे, जिसका तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें वो ब्लैक शर्ट और मैचिंग पैंट में नजर आ रहे हैं और सिर पर बांस की टोकरी रखे हुए पक्षर के लिए पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं।